शहबाज शरीफ के ब्लड टेस्ट में कैंसर की अलामत वाजे। फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में शहबाज शरीफ का 2 घंटे तिब्बी मुआयना। डॉक्टर्स का शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर इजहार तशवीश। नैब हुकाम ने मेडिकल बोर्ड बनाने में सुस्त रवी दिखाई। शहबाज शरीफ का डॉक्टर से मुकालमा। साबिक वजीर आला को दोबारा ब्लड टेस्ट करवाने की हिदायत। महकमा सेहत का 10 रुकनी बोर्ड चंद रोज में अपनी सिफारिशात पेश करेगा। ख्वाजा बरादरान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक जमानत में तौसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ 3 इंक्वायरी जेरे इल्तबा हैं। ख्वाजा बरादरान की जानिब से दरख्वास्त जमानत मंजूरी की इस्तदा भी की जाएगी। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल ख्वाजा बरादरान के गिर्द घेरा तंग होने लगा। नैब ने कैसर अमीन भट्ट के अहम इंकशाफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। ख्वाजा बरादरान पर खुफिया नामों से पैरागॉन अकाउंट से अरबों रुपए निकलवाने का भी इल्ज़ाम। ख्वाजा बरादरान ने शाहिद भट्ट की कमर्शल आराजी भी आवाम को फरोख्त की। कैसर अमीन का बयान। कैसर अमीन भट्ट ने जिस्मानी रिमांड में 8 रोज की तौसी। कैसर अमीन भट्ट को आज चेयरमैन नैब के सामने पेश किया जाएगा। दोबारा बयान रिकॉर्ड भी करवाएंगे। अपने ही महकमे में भी तब्दीली। सूबाई वजीर के कानों कान खबर ना हुई। 7 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान के तबादले। सूबाई वजीर मुराद रास ने मशवरा तक न लिया गया। तमाम अफसरान का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। गैर मुल्की फंडिंग केस में अहम पेशरफ। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जमा न कराने वाली सियासी जमातों की फहरिस्त जारी कर दी। तहरीक इंसाफ गोलालई जमात इस्लामी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पीपल्स पार्टी वर्कर्स समेत 30 जमातों को नोटिसेस। नई हुकूमत में नंबर प्लेटें भी नायाब। महकमा एक्साइज और इनबॉक्स कंपनी के दरमियान 3 साला मुआहदा खत्म। शहरियों की जानिब से नंबर प्लेट जारी करने की दरखास्तों में दिन ब दिन इजाफा। सेफ सिटी अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस की ई चालान मुहिम मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। हुकूमत माली बहरान का शिकार। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा ठप। मंसूबे के लिए महंगी टेक्नोलॉजी दरकार है। हुकूमत के पास फंड नहीं। लाहौर में प्लांट लगाने के लिए 250 अरब रुपए लागत आएगी। टेक्नोलॉजी की मरम्मत पर सालाना 10 अरब रुपए खर्च होंगे। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की पंजाब का PC1 पर तहफ़ुज़ात का इजहार। वासा ने मनसूबे के लिए 50 अरब रुपए की डिमांड की थी। पंजाब हुकूमत का लैपटॉप स्कीम खत्म करने का ऐलान। 20 अरब रुपए मालियत की लैपटॉप स्कीम से कोई नतायज नहीं मिले। स्कीम के लिए मौजूदा माली साल में फंड्स नहीं रखे। ना हुकूमत इस किस्म की स्कीम लाएगी। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा हुमायूं यासिर। शहबाज दौर के खरीदे लैपटॉप सब स्टैंडर्ड करार। तमाम रिकॉर्ड नैब के हवाले। पंजाब हुकूमत और बल्दिया उज़्मा के दरमियान इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स के तरक्याती मंसूबे सियासत की नजर हो गए। सीवरेज मेनहोल कवर्स स्ट्रीट लाइट्स और सड़क कारपेटिंग का अमल रुक गया। लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद ने हुकूमत के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया दे दिया। हुकूमत यूटर्न और झूठ को सियासत का हिस्सा बना रही है। इमरान खान महंगाई के सुनामी पर काबू पाएं। कौम को बताया जाए अरबों डॉलर किस बैंक में पड़े हैं। करप्ट लोगों से पकड़ी गई रकम अब कहां है। हम चाहते हैं निजाम डीरेल ना हो लेकिन आवाम अब मजीद धोखा नहीं खाएंगे। कमर जमान कायरा की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फयाजुल हसन चौहान का कमर जमान कायरा के बयान पर जवाबी वार। बोले कमर जमान कायरा PTI पर तनकीद की बजाय अपने कायद को राह रास्त पर लाएं। आसिफ जरदारी की सियासत कत्ल गारत मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन से इबारत है। पंजाब की सियासत में पीपल्स पार्टी किस्सा पारीना बन चुकी। गुजरात पुलिस के फंड में 70 करोड़ रुपए की खुर्दबुर्द का इल्जाम। साबिक CTO लाहौर राय एजाज अहमद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मेरा दामन साफ है करप्शन का इल्जाम लगाकर मीडिया ट्रायल हो रहा है। राय एजाज का अदालत में बयान।
राय एजाज ने साल 2014 और 15 में 1 अरब रुपए से जायद के बिल पास किए जिनमें करोड़ों की बेजाब्तगी हुई। नैब के तफ्तीशी अफसर का जवाब। शुतुरमुर्ग का गोश्त खाएं, दिल की बीमारियों से निजात पाएं। टोलिंगटन मार्केट में सस्ते दामों फरोख्त का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में मुशीर वजीर आला अकरम चौधरी की शिरकत। बोले, हुकूमत आम आदमी को मायारी खुराक की फराहमी के लिए संजीदा है। कम रेट पर शहरियों को शुतुरमुर्ग का गोश्त फरोख्त किया जाएगा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी मेयर ऑफ एंसलो समिया चौधरी की गुलबर्ग जोन आमद। कहती हैं, पाकिस्तान में डैम के लिए फंड रेजिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खाना देसी हो या विलायती, दोनों पसंद हैं। और गैर मुल्की रेसलर टीनी आयरन फ्रांसीसी खातून रेसलर मेला स्मिथ का शाही कला का दौरा। रंगीले रिक्शों में शीश महल की सैर करवाई गई। गैर मुल्की मेहमानों के पाकिस्तान जिंदाबाद, लाहौर लौट आए के भी नारे। देसी खानों की भी तारीफ।